अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, ये है संडे की नाइट और अभी अभी हम आए हैं ग्रोसरी करके। घर के मुझे थोड़े बहुत सामान लेने थे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और मैंने कुछ भी नहीं लिया था। एक्चुअली 4-5 दिन से ना बाहर जा जा के और शॉपिंग कर कर के ना बहुत थक गए हैं हम लोग। मतलब कि ऐसे तो ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता ना, और ये कंटिन्यू हम 4 दिन गए हैं बाहर शॉपिंग के लिए, तो उसकी वजह से ना बहुत थकान सी हो गई है। क्योंकि बाहर का क्लाइमेट भी इतना गर्म है और ऊपर से शॉपिंग करना मतलब बहुत हेडेक होता है। तो खैर, अभी अभी हम आए हैं और बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें खाना नहीं खाना है, तो मैंने सोचा कि ये फ्रूट कट करके दे देती हूँ। तो आधे तो मैंने कट कर दिए और फिर बाद में थोड़े से मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर ना इस पर थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी और फिर हम ये खाएंगे। तो ये खाने में ना बड़ा मज़ा आता है, और बचपन में भी ना अम्मी इसी तरह से काटती थी और उसके ऊपर है ना थोड़ा सा शुगर ऐड करके देती थी ना, तो हम बड़े शौक से खाते थे। अच्छा, मेरी तरह आप लोगों को भी ये किस किस को पसंद है ना, ज़रा मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़ा आती है, अगर आपने कभी नहीं खाया है ना तो इस तरह से खा कर देखें। तो बच्चों को मैंने स्वीट मेलन कट करके दे दिया था और यहाँ पर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा है कि सुबह में ना मैं वज़न कम करने वाला नाश्ता खाऊंगी। एक्चुअली ज़्यादातर इसे वेट लॉस के लिए ही लिया जाता है, ये जो ओवरनाइट ओट्स होता है उसे, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है तो अक्सर मैं इसे बनाती रहती हूँ। और कोई मसला भी नहीं है, रात में बस सारी चीज़ों को आपने एक साथ में रख देना है और फिर सुबह आपको ऐसे ही ले लेना है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगती। तो 1/2 कप मैंने ओट्स लिया है और इसमें डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून चिया सीड। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें अपनी पसंद के हिसाब से। 2 टेबल स्पून आपने इसमें दही ऐड करना है, और स्वीटनेस के लिए ना आप इसमें मेपल सिरप या फिर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़े से फ्लेवर के लिए ना सिनेमन पाउडर ऐड कर दें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, 1/2 कप इसमें मिल्क भी ऐड करना है जिसमें कि ओट्स जो है ना वो अच्छी तरह से सोक हो जाए। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और फिर सुबह में नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हो गई है आज की सुबह, एक्चुअली सुबह भी नहीं, ये दोपहर हो गई है क्योंकि 12 बजे का टाइम है। सुबह की जो रूटीन होती है मेरी, अर्ली मॉर्निंग रूटीन, वो अलग होती है, और उसके बाद जब बच्चे उठते हैं ना तो वो रूटीन अलग होती है। तो जब से हमदान के वैकेशन स्टार्ट हुए हैं, वो भी 11 बजे के बाद ही उठ रहा है सो के, तो तीनों बच्चे एक साथ ही उठते हैं, तो फिर मैं उनका नाश्ता वगैरह एक साथ ही दे देती हूँ। लेकिन मेरा जो टाइम है तो मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे इनके लिए लंच बनाना होता है, उसके बाद नाश्ता, तो ये नाश्ता करके जाते हैं, फिर मैं नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद जो मेरा काम होता है वो स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी तो मैं फिर से सो गई थी और अब बच्चों के साथ में उठी हूँ। तो इनके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। किसी ने कहा कि मैगी खाना है, किसी को फ्रेंच टोस्ट खाना था, तो मैंने सोचा जो भी बना रही हूँ मैं तीनों के लिए बना देती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं ना, पहले तो कह देते हैं कि हमें ये खाना है, हमें ये खाना है, और फिर बाद में जब दूसरे की प्लेट में कुछ और देखते हैं तो कहते हैं कि वो भी खाना है। तो इससे अच्छा है कि मैंने मतलब दोनों चीज़ें ना तीनों के लिए भी बना दी है। अच्छा, सुबह जल्दी उठने की आदत हो ना तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि ऐसा लगता है कि दिन बहुत बड़ा है और काम करने के लिए ना हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, और फिर बैठ के आराम से बातचीत भी कर सकते हैं आप, काम भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अगर वही आप सुबह लेट उठें या फिर अगर आप उठ के वापस सो जाएँ और फिर लेट उठें ना, तो सारा टाइम ख़राब हो जाता है, आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, और फिर काम करने के लिए टाइम कम होता है तो ऐसा लगता है कि दिन ऐसे ही गुजर गया। और मेरा पता है क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं सुबह में लेट सोकर उठूं या फिर कभी उठने के बाद में वापस से सो जाऊं ना, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है और मुझे किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत इरिटेट होता है कि मैं क्यों सोई। और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा सो जाओ, दिन में थोड़ा सा सो जाओ तो फ्रेश हो जाते हैं, तो ये मेरे साथ में तो बिल्कुल उल्टा होता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता रहता है अगर मैं ज़्यादा सो गई तो। और यहाँ पर देखें, फ्रेंच टोस्ट को ना मैं बनाने से पहले जो ब्रेड होता है उसको 4 टुकड़ों में कट कर लेती हूँ, तो वो जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बन जाते हैं ना, तो मेरे बच्चे उसे बड़े शौक से खाते हैं, उनको बहुत पसंद आता है ये सब। तो यहाँ पर इनके फ्रेंच टोस्ट बन गए हैं और दूसरी तरफ मैगी भी मैंने रेडी कर दी है,
और इसके अलावा रात में हमने चेरी ली थी तो ये भी है मेरे पास, तो मैं बच्चों को नाश्ते में दे दूंगी तो वो लोग इसे भी खा लेंगे। और वैसे अगर अलग से मैं रख दूँ ना तो फिर वो नहीं खाते हैं। दो तीन डिफरेंट टाइप की चीज़ें अगर नाश्ते में इन्हें देती हूँ ना मैं, तो ये बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी नाश्ता वगैरह नहीं करते हो ना, तो उनके पसंद की ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी रखें, दो तीन टाइप की रखें, ताकि वो देखने में भी अच्छी लगती है ना, तो वो लोग शौक से खा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। एक्चुअली बनाने क्या लगी हूँ, ये तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये देखें, ये है ना, इसमें जितना भी मैंने दूध ऐड किया था वो पूरा सूख गया है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप वेट लॉस के लिए ये सारी चीज़ें खा रहे हो ना, तो लो फैट मिल्क और लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करें। और अभी आप इसमें अपने पसंद के कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं इसे वेट लॉस के लिए नहीं ले रही, मुझे ये पसंद है तो अक्सर इसे मैं लेती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इससे मेरा वेट लॉस हुआ है। खैर, साथ में मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि आज मैंने कहा है ना कि मैं वेट लॉस वाला नाश्ता करूँगी, तो इसके साथ में ग्रीन टी बनती है। वैसे चाय का मुझे बड़ा शौक है और मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो इसी बहाने से मेरी एक टाइम की चाय कम हो जाएगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में ग्रीन टी ले ली है। वैसे कभी कभार ना आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें भी लेनी चाहिए अपनी डाइट में, जो कि आपकी हमेशा से फिक्स होती है ना, उसके अलावा भी खा लिया करें। जैसे कि मेरा फिक्स होता है कि मुझे सुबह नाश्ते में चाय पराठा या फिर चाय के साथ में ब्रेड एंड बटर चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी मैं ये भी ले लेती हूँ। और मोस्टली फ्राइडे के दिन जो है ना, हम नाश्ता बाहर से लाते हैं, तो उस वक्त हमारे नाश्ते में होता है चना और फिर पराठे, और कभी कभी नान भी होती है, कीमा भी होता है। तो ये एक दिन है ना, हम लोग बिल्कुल डिफरेंट सा नाश्ता करते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे बच्चों ने ऑलमोस्ट तो फिनिश कर लिया है, लेकिन मरियम ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि उसके हाथ में है फ़ोन, और अगर मैं उसे कहूँगी कि मैं खिला देती हूँ तो उसे मेरे हाथ से भी नहीं खाना होता है, वो खुद खाएंगी। तो चलें, फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता हमारा हो चुका है, और मैं कल वेट चेक करके आपको बताऊँगी कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। और ये देखें, ये काम अभी करने बाकी है, नाश्ते के बाद वाले काम। और ये देखें, बाहर का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, तो खैर वापस जाना है, किचन में काम करना है। और प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।